चीजें बताने जा रहा हूँ, तो मैंने पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको करना है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जिसमें ये फिल्म द ब्लैंक्स, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसको आगे बढ़ा देंगे और उसके आ जाएंगे, ठीक है। 7 में फिल्म द ब्लैंक्स है, देखिए, राम इज सेटिंग राधा एंड सपना बिटवीन रमन, अर्थात मतलब है कि बिटवीन और रमन का प्रयोग करना है। किसमें? फिल्म द ब्लैंक्स में ए एम डा का प्रयोग करना है। फिर किसका प्रयोग करना है? बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करना है। आर टू और सुड और मस्ट का प्रयोग करना है। आन और अपन का प्रयोग करना है। मैनी और मच का प्रयोग। इसके बाद इज और आर। फिर इसके बाद ईज और ईट्स, ये वर्ब में आ गया। ब्रेक और ब्रोकन, ये भी किसमें आ गया? वर्ब में आपका आ गया। इन और इनटू प्रेपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 7 टाइप्स के होते हैं, तो फ्रॉम और ऑफ। तो बस इतने ही। इसके बाद फिर आपने देखा कि ये टेक है, ये फिल्म द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, वर्ब की चीज़ें दी गई हैं। तो इसके बाद सेंस फॉर का प्रयोग है, अराइव, ये सब वर्ब हैं। पूरी लगभग आपको इतनी दी गई है, ठीक है ना। चलिए, तो इनमें से सबसे पहले हम आपको एक एक करके सॉल्व करा देंगे, वो मुझे पढ़ाना भी है कि कहाँ से क्या करना है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी बताइए, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना बिटवीन अमंग, क्या आएगा? बिटवीन आएगा, क्यों आएगा? बिल्कुल, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है। अभी हम नोट करेंगे, चलो कि हिंदी में कंफर्टेबल आप अभी हिंदी में रहेंगे ना, सब बच्चों के लिए, जिसको जो समस्या आप बता दूंगा। बिटवीन किस तरीके याद कर लेंगे? जब दो वस्तुओं या नाउंस आदि को जोड़ना हो तो जोड़ना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन है ना, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लिखते जाएंगे और आप आगे से आगे करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल चीजें 10th क्लास में आती है, आइए तक सही। इसके बाद अमंग, ए एम ओ एन जी, अमंग का प्रयोग किससे ज्यादा होगा? दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग? अधिक के लिए अमंग, ठीक है, समझ गए। कुछ एग्जांपल हम जैसे कि नोट करते हैं, देख लो बिटवीन और अमंग यदि आते हैं कभी भी, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। इससे कठिन कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल आता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कठिन नहीं पढ़ाने वाला। तो कैसे समझेंगे? जैसे मैं लिख रहा हूं, राम आई डिस्ट्रीब्यूट डी आई एस ई आर आई बी यू टी ई डी आई डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान से सुनिएगा, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एस डब्ल्यू टी डब्ल्यू एस स्वीट्स आई बिटवीन बिटवीन। देखिए ध्यान दें प्लीज, पूरे कंसेंट्रेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास समय कम है और आपको बहुत ज्यादा गहरे से आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए प्लीज। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होगा? बांटना, मैंने बांटा, क्या बांटा? स्वीट्स, मिठाइयां, या मिठाई कर सकते हैं अपन, स्वीट, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट बिटवीन, किसके बीच में? मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि राम एंड सीता, क्या लिखा? राम एंड सीता। कितने लोग हैं यहाँ पे? दो, एक हो गया राम और एक हो गया सीता, यहाँ पे नाउन हमने ले लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो चीजें हैं, वस्तुएं जो भी हो, दो के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन। तो जहां तक कोशिश ये कीजिएगा कि जहां पे बिटवीन लगेगा वो क्या है, एंड को साथ में लेकर के आता है। देख लो, ये तीर का निशान भी लगा लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, किसका प्रयोग करेगा ये? एंड का प्रयोग करके आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यदि हम आपको दें, इसी का बना दें, आई डिस्ट्रीब्यूटेड डी आई एस टी आर आई बी यू टी डी आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट, हम यहाँ पे स्वीट्स कर देते हैं, बिटवीन बी टी डब्ल्यू डबल ई एन बिटवीन स्कूल चिल्ड्रन, समझ आएगा, या स्कूल स्टूडेंट लिख देते हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट एक ही बात है, एस टी यू डी ई टी एस, देखिए स्टूडेंट नहीं, हेलो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है सिंगुलर प्लूरल थोड़ी आठवीं क्लास में पढ़ा होगा, एक से ज्यादा में
यूनिवर्स बनाने का जो नियम होता है वो ऐसा लगा दिया है, यहीं से आपको समझ जाना है। अब मान लीजिए देखिए हमने बिटवीन लगा दिया तो ये रॉन्ग है कि सही है कि गलत है, क्या है? गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि हमने दो के बीच में बोला है, हालांकि दो ही प्लूरल्स ही होते हैं, पर ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स स्कूल स्टूडेंट हमने लिखा ना, तो फिर क्या हो गया? दो से ज्यादा हो गए ना, दो की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखोगे? अमन, AMONG, अमन। अभी बताइए किसी भी रूप में यदि डिग्री और अमन का प्रयोग आता है बन जाएगा, कैसे समझोगे, कैसे पता लगाओगे? मोर देन टू, जो दो होंगे वो लिखे होंगे साफ साफ। अब राम और सीता तो आपको काउंटिंग में आ गए ना, मोहन और गीता हम ले देंगे तो काउंटिंग में आ गए ना, पर यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं, स्टूडेंट हो सकता है ये दो ही हो, पर यहाँ पर तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे जो बिटवीन है और अमंग का प्रयोग है वो क्या है, क्या है, समझ में आ गया? दो दो से दो के बीच में केवल बिटवीन का प्रयोग करेंगे, दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अमंग। अब ये प्रश्न में देखेंगे और बारी बारी से हम आपको समझाने का प्रयोग करेंगे, इसको मिटा देंगे। नोट फास्ट आप नोट करिए, ये सब पढ़ाने के बाद तो दोबारा नहीं बताऊंगा, बार बार आपसे पूछूंगा कि बताइए क्यों लगेगा ए एंड द, ये तीन आर्टिकल है, क्या कहलाते हैं आर्टिकल, लिखते जाओ साथ में ARTICLE आर्टिकल, आर्टिकल क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल, ठीक है। अब वो अलग अलग आपके जो है डायलॉग होते हैं या पढ़ने का, मैंने बोला ना एक एक्सेंट जो होता है ब्रिटिश टोन में और एक अपन हिंदी और एक जो भी ए एन दा, कोई कोई इसको दी दा पढ़ता है, इसका भी हम बता दूँ। देखिए ए को क्या पढ़ते हैं, आप बोलते हैं जब रीडिंग टाइम होता है, और क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं जब ए बी सी डी पढ़ते हैं, मालूम है आपको कुछ नहीं? ए एन को क्या पढ़ेंगे, एन जब अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, और अन भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अन, एक भी फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म माना जाता है, ये लिखते जाए फटाक से, दा को दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, इसका कोई रूल है पर ये आपके ग्रामर में है तो अभी नॉलेज के लिए इतना रख लो कि दा भी पढ़ते हैं, कोई पढ़े तो इसमें लड़ाई नहीं करना, बस छोटा सा नियम ये है कि जैसे सुनो ध्यान से, एलिफेंट ELEPHANT, हेलो ELEPHANT, तो ये जो ई है वॉवेल है कि कंसोनेंट है, वॉवेल है कि कंसोनेंट है, वॉवेल, वॉवेल है, तो वॉवेल जब होगा तो ये जो TH दा लिखा होता है क्या पढ़ेंगे इसको, दी। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बहुत विस्तार से नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में ही मुझे समझाना है, कान खोल के बैठेंगे तभी समझ में आएगा, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। और यदि हमने बॉय लिख दिया तो क्या आएगा, क्योंकि बी क्या है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दा। लेकिन कुछ लोगों को इसका नियम नहीं पता होता है, वो दी दी जिनको रटा वो बचपन से दीदी पढ़ते हैं और ज्यादातर लोग दादा पढ़ते हैं, दा 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 बॉय दा एलिफेंट, कुछ लोगों को रटा होता है दी बॉय दी एलिफेंट, का ऐसा नहीं होता, मैंने आपको दोनों रूल बना दिए, अब दोनों को देख लीजिएगा। तो किसको हम पढ़ना है, ए एंड दा, ए एंड दा, ये क्यों पढ़ते हैं, दीदा समझ में आ गया, ठीक है। ये तीन आर्टिकल है, ए वन टू थ्री, आज ये क्लियर कर लो। अब मैं थोड़ी सा आपको बता दूं, हालांकि आपने पहली दूसरी क्लास से पढ़ा होगा, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये कितने होंगे टोटल, 05, इसको क्या बोलते हैं, बाकी बचे हुए कंसोनेंट इसी तरह वॉवेल, कंसोनेंट की भी यही था, CUN SO NAN TS, कुछ लोग कंसोनेंट्स ये कॉन्सोनेंट्स ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं दोनों सही हैं आजकल चलन में, बी और सी, डी और ई, क्या फिर क्या आ गया, एफ और जी, एच,
आई लेके आप घर जाए जे हमें पूरी भी सिटी को नहीं लगने वाला हूँ के डेट कहाँ था जेड ये होंगे 21 तो देखो पीछे लिख लो 05 प्लस 21 बराबर कितना 26 कितने टोटल लेकर होते हैं 26 इसको थोड़ा कैचअप कर लिया लीजिएगा ये समझ में आ गई बात वो आगे आज ही रख लो AEIOU और एक होते हैं साउंड इसको मिटा दे क्या अगर हो गया है ये फटाक से लेके दरअसल एक नंबर का आता ही वॉवेल आता ही ज्यादा कठिन नहीं आता साउंड साउंड ध्यान से सुनिएगा जैसे आपने लिखा UNIVERSITY यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे कैसे यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ लिखेंगे क्या इसी तरीके से दूसरा वर्ड में लिखता हूं MA तो क्या लिखेंगे जानकारी का होना आपके पास और आवश्यक है स्वर हिंदी में कहां से शुरू होंगे आ से है ना हालांकि इसमें 10 से 11 माने आते हैं हां अन्न और अह को काउंट भी किया जाता है ओ औ तक माना जाता है देख लीजिए ना हिंदी आपसे बड़ा होता है और व्यंजन लगभग व्यंजन कहां से का से ज्ञान लगभग ऐसा अपन मोटा हिसाब लेके चलते हैं ठीक है तो जो साउंड होना चाहिए वो स्वर और व्यंजन ये है मेन बात अर्थात लिख के देखना पड़ेगा अब बताओ अगर हम इनके एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूँ और ए एन दास में से कुछ लगाना है जो दा है वो स्पेशल है एक बार यदि ध्यान दीजिए एक अभी मैं केवल ए एन दा का प्रयोग बता रहा किसका ए और एन सॉरी ए और एन दा ए और एन का क्लियर हो गया तो फिर समझ में आ जाएगा क्या होता है जैसे कि मैंने लिखा एलिफेंट पी एल ई तो क्या लगाओगे इसमें ए या एन ए लगाओगे क्या अरे लिख के देख लो एलिफेंट एलिफेंट लिखा ना अपन ने ए क्या है हिंदी का साउंड क्या है इसके बीच में आएगा ना आ से हा तक के बीच में अरे तुमको लिख ही लो आ से आ तक के बीच में ताकि कंफ्यूज ना हो है ना ऐसे आप अच्छे तरीके से कहलाते हैं देखो भैया ए आया अब नहीं पता कि छोटी वाली किताब में लिख के और वर्णमाले पर वॉइस कर लिया क्या आया बताओ एन हमने लिखा कैट यहाँ पे सुनिएगा सी ए टी कैट तो इसको जब लिखेंगे कैट तो कौन सा साउंड आ रहा है स्वर वाला के व्यंजन वाला ये जो नीचे हिंदी में लिख रहा है ना ये साउंड कहलाता है क्या कहलाता है साउंड अब वो वाला साउंड बताएंगे अंग्रेजी का तो बहुत बड़ा अब इतने वाला जाना साउंड का वाली शुरू लाइन इसलिए ए आएगा कि एन आएगा ए समझ में आ गया बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ अब मैं लिख रहा हूँ एम ए तो हमने जब लिखा एम ए को तो एम और ए तो क्या लगाएंगे एन आएगा ना क्यों आएगा क्योंकि ए से शुरुआत हो रही है और ए आएगा आ से आ तक के बीच में आएगा कि नहीं आएगा चलिए अब आगे मैं कुछ और शब्द लिखता हूँ तब आप बताइएगा H O U R बताइए इसके बीच में क्या है जल्दी बताओ A लगाओगे कि N लगाओगे A लगाओगे कि N A इसको पढ़ते क्या हावर अरे इंग्लिश बड़े कंफ्यूज करते हैं भैया हावर पढ़ते हैं इसको एज साइलेंट मानते हैं और अगर इसको एज को हटा दो तो हो जाएगा अवर लेकिन ऐसा मुझे नहीं पता बोले आवर आवर वैसे अगर पढ़ो तो आवर ही हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं समझ गए इस वर्ड को ध्यान रखना कुछ कंफ्यूजन वाले वर्ड को दे देता है तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया क्या पढ़ोगे अब क्या लगाओगे बताओ एन ए एन आएगा भैया क्योंकि जो साउंड है आ से शुरू हो रहा है और आ हिंदी में क्या कहलाएगा एक वर्ड और आपको दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी तो बड़ा फेमस है वो हर बार पूछ लेता है ना यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाओगे यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई क्या लगाओगे इसकी पहले आ लगाओगे क्यों ये तो हेलो इंग्लिश के वावेल और कंसोनेंट्स में मत जाइएगा देखा जाए तो यू क्या है
क्या है? वावेल है भैया, ज्यादातर इंग्लिश वाले बता देते हैं कि ये वावेल है, तो आप ये लगाओ। नहीं, साउंड, साउंड, साउंड क्या है? ये जो लिख रहे हैं ये है साउंड। यूनि और आगे यू से शुरुआत हुई, और यू कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? कहाँ से क्या के बीच में? का खा गा घा इंगा चा छा जा जाएगा यारा लावा सा के साथ छत्रा ज्ञा। समझ में आ रही बात? तो ए लगाओगे, क्या लगाओगे? ए। तो देखिए अभी आपने दो चैप्टर कंप्लीट किए, एक बिटवीन और अमंग, अभी हुआ आपका ए और एन, अर्थात दो नंबर के विकल्प आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं। तीसरा कोई और देखते हैं कि उसमें आया क्या है, तो इसको नोट कर लें प्लीज। मच और मैनी, शुरू करेंगे मच और मैनी। मच मीन्स क्या होता है? मच मीन्स, इसका अर्थ भी जानना जरूरी है, कुछ। मच मीन्स ज्यादा, और मैनी मीन्स क्या होता है? कई। मैनी मीन्स कई। मच का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? काउंटेबल, CUNTABLE, काउंटेबल मीन्स जिसकी गणना की जा सके, 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 ब्रैकेट में लिखिए। और मैंने के सामने लिखिए, क्या लिखेंगे? कई हो गया, और काउंटेबल की आगे की बात लगा देंगे अन, यू एन अन, तो हो जाएगा CUNTABLE, अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल, ठीक है। ये हो गया काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल। तो जिनकी गणना की जा सके तो काउंटेबल कहलाएगा, जिसकी नहीं की जा सकती वो फर्क से, क्योंकि मैं टाइम नहीं दूंगा। जिसकी गणना नहीं की जा सके, सके, जिसकी गणना नहीं की जा सके, तो जिसकी गणना की जा सके वो क्या है? एक बच्चियों इधर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, क्या बॉयज की गणना की जा सकती है? गर्ल्स की गणना की जा सकती है? टीचर्स की गणना की जा सकती है? चेयर्स की गणना की जा सकती है? ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ अब आपको, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। अनकाउंटेबल में क्या होगा? क्या वाटर की गणना कर सकते हैं? ऑयल की गणना कर सकते हैं? नॉलेज मिल्क की गणना कर सकते हैं? नहीं। और बताओ, एयर एक अलग ऑप्शन है, मिल्क की गणना कर सकते हैं क्या? नहीं। और क्या? नॉलेज की गणना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मच और मैनी का प्रयोग करना है, जिसकी गणना की जा सके वहां। और मच और मैनी में ही एक और आता है, सम और एनी, तो उसको भी लगातार हम बताई देते हैं। ये नोट डाउन हो गया, ये अभी दिमाग में बिठाना, अगर नोट हो गया हो तो इसको बिठा दो। लिख गया सभी का? पीछे लिख रहे हो कि नहीं? कोई बच्चा जिसका नोट हुआ घुमा दे। मैंने कहा ना साथ ही साथ लिखते जाओ, नहीं समझना तो मैं समझा दूंगा। शम और है, सम मींस क्या होगा? कुछ, किसी में एक और जोड़ दूंगा, सम में एक और आ जाता है। सर क्या? मैं आज बता ही देता हूँ, इसको बता दो। समथिंग क्या आता है? समथिंग, समथिंग, और एनी में आता है एनी थिंग, तो एनी मींस होता है कोई, और इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी या कुछ भी, ये भी अर्थ हो जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कुछ। और ध्यान दीजिए, जो सम होता है, समथिंग होता है, ये देख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिखिए प्लीज। सकारात्मक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, किस वाक्यों में? सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, सकारात्मक वाक्य में प्रयोग किया जाता है।
है, ये बात समझ में आई सुनने को कि नहीं? ठीक। और इनमें से किसका उपयोग, एक चीज और जान लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ब्रेक पे बना के लिखो, जो एनी होता है उसका जो वर्ब होता है वो होता है नॉट प्लस एनी। क्या होता है? नॉट प्लस एनी, अर्थात उसको पहले से ही नॉट जुड़ा होता है। और एक शब्द आपने और देखा हो नो, नो का मतलब क्या होता है बोलो? नहीं, एनी मतलब नॉट प्लस एनी, सही बैठ रहा है? नहीं, एनी इधर क्या लिखोगे? नो। आप लोग प्रश्न नहीं उठा रहे हो क्योंकि एनी कह रहे हैं, ये तो पूछना चाहिए कि सर एनी फिर से आ गया। फिर नो बराबर होता है नॉट प्लस एनी, पर ध्यान दो एक जैसा नियम मैंने यहां लिखा है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा, और जो एनी होगा उसका प्रयोग। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक या नकारात्मक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेगेटिव में किसका प्रयोग किया जाएगा बोलो? एनी का प्रयोग किया जाएगा, एनी का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रहेगा कि नहीं होगा? कई बार पूछ लेता है ना, मैंने चार चीजें बताई आपको, कौन, सम, एनी, मच, मैनी। ये समझना है, जब मैनी आएगा तो कई, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये लिख लिया क्या फटाक से? नोट डाउन कर लो, तो एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ बहुत सारी चीजें। वही है समथिंग, रॉन्ग, मच, मैनी, सम, मच मैनी और सम एनी, वेरी गुड, याद हो जाए, मच मैनी सम एनी, वेरी गुड। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैनी का प्रयोग कहां करते हैं? ही मेट मैनी, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने, मैं कितने स्टूडेंट्स से मिला? कई स्टूडेंट्स। तो मैनी का प्रयोग तो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, कई लोगों के। तो मच का प्रयोग क्या होता है? ही बॉट मच मिल्क, उसने ज्यादा दूध खरीदा। क्योंकि यहां पे स्टूडेंट कर देंगे तो चलेगी बात क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि मच ये तो काउंटेबल है और मिल्क अनकाउंटेबल है। लिख लो इशारे के लिए, दिस इज अ काउंटेबल, सी ओ यू एन टी ए बी एल ई, काउंटेबल, और दिस इज अ अनकाउंटेबल, अन सी ओ यू एन टी ए बी एल ई, अनकाउंटेबल, दिस इज अ काउंटेबल और दिस इज अ अनकाउंटेबल। समझ आई बात? तो थोड़ी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा। अब बात आई किसकी, अभी आपने मच और मैनी का प्रयोग देखा, अब मैं देख रहा हूं सम का प्रयोग। तो ही डिड नॉट बाई फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स। अब मुझे आप बताइए कि इसमें दोनों में किसका प्रयोग करेंगे? चौथा और भी लिख रहा हूं, ही बॉट या चलो दे लिख देता हूं या ही लिख देता हूं, चलो अगर दे लिखूंगा, दे बाई फिलिंग द ब्लैंक्स बुक्स। चलो बताओ पहले वाले में किसका प्रयोग? पीछे आप लोग डिस्टर्ब क्यों करेंगे? ये क्यों करेंगे? क्योंकि नॉट लगा है ना, जहां नॉट लिखा मिले सीधे आप किसका प्रयोग करोगे? बिना पूछे जाते एनी का प्रयोग करोगे। और यहां पे किसका प्रयोग करोगे? सम का प्रयोग करोगे। तो और मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सम, मच, एनी या मैनी लिख देता हूं, मैनी। अब बताओ इनमें से तीनों क्या सही है? सम सही है, मच सही है, मैनी सही है, कौन सही है? क्या मैनी नहीं लगेगा यहां? दे बाई मैनी बुक्स लग सकता है, लग जाएगा ही। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात आ जाएगी,
पर मच लग सकता है क्या? नहीं, मच नहीं लगेगा। अब सम और मैनी की बात आएगी क्योंकि आपकी बुक्स की बात आ गई, तो ऐसा कंफ्यूजन तो देगा नहीं, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे, है ना। तो इसको पहले से हम क्रॉस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए उसने मैनी, आपने एनी, आपने शम, तो यहाँ पे क्या कुछ विरोधाभास वाली बात आ रही, बोलो कुछ है क्या? मैनी आ सकता है क्या? ही डिड नॉट बाई मैनी बुक्स, कई किताबें, तो ऐसा लगा आपका के लिए नहीं, यहाँ पे मैनी फिट बैठ जाएगा, पर वो ऐसा नहीं देगा, मच देगा मैनी की जगह, क्या देगा बताओ? मच आएगा क्या? क्योंकि बुक्स काउंटेबल है, किताबें गिन सकती है ना, एक किताब, दो किताब, तीन किताब, तो भैया यहाँ पे मच नहीं आएगा, एनी आएगा। वो कंफ्यूज कर देता है, चारों में से किसी एक को बीच में जोड़ देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सब क्या लगाएं, मच लगाएं कि मैनी लगाएं। तो पहली बात तो क्लियर कर लो ना, मैनी बहुत सारी चीजों के लगाया जाता है, काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, सम कुछ काउंटेबल है क्या? कुछ के लिए, आप कुछ में भाई कितने, मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए थे, कोई पता लगा सकते कोई माइक लाल है ऐसा बता दे इतने बच्चे आए थे नहीं, और मैंने कहा कि मेरे पास कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं मतलब कुछ बिल्कुल है ही नहीं है, अर्थात ना की बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई किताब नहीं है, अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ साफ साफ ना कर रहा हूँ, भैया मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई विद्यार्थी नहीं आया, अर्थात आए ही नहीं ना, तो वो पूछ रहा है आए थे क्या कोई विद्यार्थी, मैंने कहा कि नहीं कोई नहीं आया, एक सिंगल नहीं आया, ये समझ में आ गई बात। बस मैंने जो भी एग्जांपल होंगे, तो अभी आपको मैंने कितनी चीजें क्लियर की इस वीडियो में, सबसे पहले आपने समझ में आ गई बात, बिटवीन का दो के लिए, अमंग का दो से ज्यादा के लिए, फिर मैंने पढ़ाया ए एंड दा, अभी मैंने दा पे जोड़ नहीं डाला, अभी ए एंड पे डाला, तो ये मैंने बताया कि हिंदी के साउंड अलग, एक इंग्लिश की वावेल और कॉन्सोनेंट होते ए ई आई ओ 5 इंग्लिश में, और हिंदी में 21 26 लेटर होते, हिंदी में बहुत सारे होते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा ग्रामर में 10 11 कहीं 13 ऐसे आ, अगर हिंदी भाषी हम मान के चलते हैं तो हम जानते हैं कि आ से लेके हा तक सीधे बोल देते, सारे स्वर होते बचपन में ही बोल देते, वो का से लेके ज्ञा तक व्यंजन, तो जब अपन किसी वर्ड को इंग्लिश वाले को पढ़े तो हिंदी से लिख के देख ले, वो कहलाएगा साउंड, हिंदी से लिख के देखेंगे तो क्या कहलाएगा? और इसके बाद देखेंगे कि साउंड वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, यदि वावेल है अर्थात स्वर है तो क्या लगाएंगे, ए या एन? एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन। और यदि वो जो साउंड है उसको लिखते हैं और वो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे? ए। एन का प्रयोग क्लियर हो गया। इसके बाद दा स्पेशल चीजों में लगाया जाता है, दा गंगा, किसी जैसे कि सूरज है एक ही है केला से, तो अभी स्पेशल दा का प्रयोग बता देंगे, अभी बता दें। इसके बाद मैंने मच और मैनी का प्रयोग बताया, मच काउंटेबल है, मैनी अनकाउंटेबल है, सम का प्रयोग फर्स्ट टू सेंटेंसेस में करना है, कुछ वो भी एक से ज्यादा की बात कर रहा है, एक के लिए नहीं है सम, है ना, और एनी भी नहीं के लिए अर्थात नकारात्मक, सिंगल एक के लिए एनी का प्रयोग करना, समझ में आ गई बात? मच मैनी और ये सब आ जाते हैं तो आप समझ जाओगे ना कहां पे क्या आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे मच क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा क्योंकि बुक्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, वो ऐसा देगा, यहाँ पे विरोधाभास वाली बात देगा नहीं कि सम मच मैनी एक साथ नहीं देगा। अब थोड़ा सा मैं आपको दा लास्ट में और बता दूं, और तो इसके बाद से मुझे लगता है कितने प्रश्न हमारे तैयार हो गए, एक मच मैनी का हो गया, एक सम और का, दा का प्रयोग नोट इट डाउन, फटाक से नोट करें, दा का प्रयोग कुछ स्पेशल चीजों के लिए, हेलो जो अब के लिए हो, अब के लिए मतलब जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय नदियों के नाम, है ना, नदियों के नाम, और किसके पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, और बताओ फेमस जगह के भी अच्छे प्रसिद्ध जगहों के नाम, प्रसिद्ध जगह, हाँ जैसे प्रसिद्ध स्थान, आपके प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक दा बाइबल, दा कुरान, दा रामायण, दा गीता, प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो हो सकते हो, प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इन सभी के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। देखें जैसे अर्थ
अर्थ के पहले क्या लगाओगे? इसमें ए अंडा का प्रयोग होने नहीं है। हेलो, अर्थ के पहले ए अंडा का प्रयोग होने नहीं है। सीधे सीधे किसका प्रयोग? इसमें आप लिखते नहीं देख लेना अर्थ क्या है? यूनिक है, एक है। फिर क्या लिखोगे? सन, सन में सूरज क्या लगाओगे? सन। अब मैंने गंगा लिख दिया, एक ही गंगा जी है जी। क्या दूसरी गंगा है? नहीं है। तो क्या आएगा? दा गंगा। नर्मदा लिख दिया, क्या आएगा बोलो? दा। इसमें ए अंडा का प्रयोग तो सोचने नहीं है। और किसमें? मैंने गीता लिख दिया, तो इसके पहले क्या आएगा? दा गीता। मैंने दा बाइबल लिखा तो क्या आएगा? BIBL। क्या लिखोगे बोलो जल्दी? दा बाइबल। मैंने कुरान लिख दिया तो क्या आएगा? दा कुरान आएगा। ये दा का प्रयोग क्लियर है। एक और प्रयोग है जो 10th क्लास में मुझे लगता है परेशान कर सकता है थोड़ी सी, पर अभी कैसा होगा नहीं सर। क्या दूसरा प्रयोग ये है बच्चों कि जब एक बार ए अंडा आ चुके हो, हेलो, एक बार ए और एन आ चुके हों तो फिर क्या लगाएंगे? तो उस शब्द के पहले, दोबारा में, उस शब्द के पहले दूसरी बार किसका प्रयोग करोगे? दा का प्रयोग करोगे। दा का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी? ओके, तो दा का प्रयोग भी क्लियर हो गया सभी को। एक एग्जांपल और बता दो, थोड़ा सा नोट कर लो, है ना? देखिए, बॉय कैन टू मी, क्या लगाओगे? एक ही दा, ए और एन, क्या लगाओगे? बॉय के पहले आ लगाओगे ना? बॉय, क्योंकि आप जब लिखोगे बी ओ आई तो बॉय ऐसा कुछ लिखोगे तो बार आया, और बार हिंदी में क्या होगा? स्वर की व्यंजन, व्यंजन, तो ए आएगा। अब बॉय कैन टू मी फुल स्टॉप, एक लड़का मेरे पास आया, बॉय वाज वेरी एंग्री, लड़का बहुत नाराज था, अर्थात एक बार लड़के से यहां मुलाकात हो गई थी, एक बार ए आ गया, दूसरी बार क्या लगाओगे? दा लगाओगे, दूसरी बार क्या लगेगा? दा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा नंबर का एग्जांपल है, फिर क्या लगा? एक बार यदि ए अंडा आ जाएगा तो दूसरी बार क्या आएगा? दा। वो देखिए दूसरी बार, तो बॉय के पहले हमने क्या लगाया? दा। मुझे लगता है ए अंडा का प्रयोग सम और एनी और भी जो चीजें होंगी तो हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें हो जाएगा। और मच मैनी बिटवीन और अमंग है बहुत कुछ, इतना ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतनी ग्रामर नहीं, पर आपके लेवल 10th स्टैंडर्ड में इतने प्रश्न आते हैं मैंने देखा है, तो मुझे लगता है ना। और भी यदि कोई दिक्कत आ रहा है तो देखूंगा, ठीक है?